कोयलागंज क्षेत्र के लड़कुई में गुस्साए मजदूरों ने पंचायत में जड़ा ताला और जमकर किया हंगामा। जैसे कि आपको बता दें कि मजदूरों ने 7,30,000 रुपए का ठेका लिया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा 90,000 का भुगतान किया गया। बाकी भुगतान लेट लतीफ होने के कारण गुस्साए मजदूरों ने पंचायत भवन में ताला लगा दिया। मजदूरों का कहना है कि हम 25 रोज से शमशान घाट में पड़े हुए हैं, अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं। अब आप जान सकते हैं कि शमशान घाट में कैसे आदमी रह सकता है, लेकिन पेट के खातिर शमशान घाट में भी रहने को मजबूर है। मजदूर ठेकेदार का कहना है कि हमने लगभग पूरा काम कर दिया है, लेकिन ग्राम पंचायत लड़कुई द्वारा हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, इस कारण हम पंचायत भवन पर ताला लगा रहे हैं। दिया उसको विनोद भाई को, दिया मैंने बिल लगाने के लिए, जब 50,000 का बिल लगाया। आप क्या की बात है, सब क्यों मैं किले किले ये मतलब लोगों ने करा, इनको गरीब आदमी, उनको सम्मू भरना है, उनके घर बीवी बच्चे उन सब यार काम करने के लिए बच्चे तो घर गृहस्थी छोड़ के आए हैं, तो पैसे कब दे देंगे हम? आ जाएंगे सब क्या, वो गाड़ियाँ खड़ी हो जाएगी, देखो ना गाड़ियाँ की खड़ी हुआ कभी सब तुम चलो भाई, गाड़ी खड़ी की नहीं हुआ भरे, अब क्या करेंगे वो गाड़ियाँ खड़ी हुआ। विनोद जैसे 4,500 रुपए लगा बैठ गए, 4,500 में जैसे लगाया मैंने पोखरण मशीन का, वो सेठ मेरे ऊपर चढ़ा जा रहा। आदर्श ग्राम बचकाल से आया हूँ, ग्राम अपने लाड़कोई में पंचायत में काम करने, उसके बाद में मैं काम कर रहा हूँ आज 20-25 रोज से, मजदूर लोगों ने मेरे पास काम कर रहे हैं। उसके बाद में मेरे को पेमेंट मिला खाली 90,000, 7,30,000 का ठेका है मेरा, काम आधा से ज़्यादा कर दिया 4,50,000 का, और गाड़ी भरेल खड़ी हुई है अभी वहाँ पे कब्रिस्तान में। आप चाहो मेरा कुछ गलत काम हो तो आप जाके देख सकते हो वहाँ पे, काम कहाँ पे कर रहा है, कब्रिस्तान में शमशान क्या बोलते हैं उसको, मच्छी बाजार के आगे बोलते हैं उसको, वहाँ जाके देख सकते हो आप, वहाँ पे पूरा काम चल रहा है मेरा, और अभी गाड़ी आगे खड़ी हुई है और काम कर चुका हूँ। 90,000 रुपये मेरे को मिला है अभी तक, उसके बाद में कोई पेमेंट नहीं मिला है। ये लेबर लोगों ने इनका शंभू का पैसे भरना है, उसके बाद में इनको पैसे नहीं दे रहे कोई आदमी, वो बोल रहे चार रोज से बिल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, क्लियर। इस चक्कर में आज मैंने इतना हंगामा मचाया, आज 20-25 रोज से काम कर रहा हूँ मैं भी, घर छोड़ के बाप बेटे हम सब जीप मोटरसाइकिल ट्रैक्टर सब हम रोड के ऊपर आके सो रहे हैं, कोई हमारे पास मकान बिल्डिंग कुछ नहीं है, कब्रिस्तान में कोई रोज नहीं, कब्रिस्तान में खाना खा रहे हैं हम, और कब्रिस्तान में खाना खाने के बाद रोड में आके अपने रेंज के सामने आके रेंज में आके सामने रोड के ऊपर आके सो रहे हैं। तुम्हारे पुलिस विभाग की जो गाड़ी जाती है रोज सायरन बजाती है, वहाँ जाके हम रात में रात भर नहीं सो सकते हैं, उस चक्कर में फिर भी हम सो रहे हैं और काम कर रहे हैं आज 25 रोज से, जैसे चारों वैसे खा रहे हैं। अजलिया रहने वाला बचकाल का हूँ मैं, मजदूर कितना लग रहा है? मजदूर मेरे पास में 7 मजदूर चल रहे हैं, आता पीछे डले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आता है सरपंच बोलता है 2,00,000 डलवा दे, 1,50,000 डलवा दे, 50,000 डलवा दे, ये कोई बात नहीं होती। तो काम पूरा हो चुका है, काम 10 वर्ष के बच्चे है काम, पैसे 90,000 में क्या होगा बोलो? मजदूरों ने अभी इनके समूह वमूह गरीब लोग उनके भरना है तो कहाँ से भरेगा बताओ? हम तो पंचायत में काम करने आए तो इस वजह से काम करें।